अलग अलग परिवारों की 10 वधुएं 10 वर, लेकिन विवाह की व्यवस्थाएं एक उसी स्थान पर, साथ में हजारों लोगों की मौजूदगी। ये नजारा गुरुवार सुबह न्यू कवास बाड़मेर मगरा स्थित संत पीपाजी छात्रावास में देखने को मिला। अवसर था श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज बाड़मेर जैसलमेर के चतुर्थ सामूहिक विवाह समारोह का। कार्यक्रम में सामाजिक बदलाव की एक अलग ही बयार देखने को मिली। अलग अलग परिवारों की 10 वधुएं 10 वर, लेकिन विवाह की व्यवस्था एक उसी स्थान पर, साथ में हजारों लोगों की मौजूदगी। यह नजारा गुरुवार सुबह न्यू कवास बाड़मेर मगरा स्थित संत पीपाजी छात्रावास में देखने को मिला। अवसर था श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज बाड़मेर जैसलमेर के चतुर्थ सामूहिक विवाह समारोह का। कार्यक्रम में सामाजिक बदलाव की एक अलग ही बयार देखने को मिली, जिससे एक बेटी के पिता को विवाह के लिए जो व्यवस्था करनी थी वे उन्हें स्वतः मिल गई। सामूहिक विवाह का नजारा जिसने भी देखा, सबने मुक्त कंठ से इसकी सराहना करते हुए कहा कि एक ही जगह व्यवस्था से 10 बेटियों का हर्षोल्लास से विवाह संपन्न हो गया, वह भी पूर्णतः नशा मुक्त। समाज अध्यक्ष ओंकार सिंह चावड़ा ने बताया कि गुरुवार को समाज का चतुर्थ सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। इस परंपरा को सन 2017 में प्रारंभ किया था, तब प्रथम प्रयास में केवल 4 जोड़ों का पंजीयन हो पाया था। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में समाज सेवियों ने सहयोग दिया, जिससे इस बार चतुर्थ प्रयास में 10 जोड़ों का विवाह हुआ। यह परंपरा आगे भी अनवरत जारी रहेगी। कार्यक्रम के निर्धारित स्वरूप के अनुसार गणेश स्थापना हुई एवं वधु पक्ष की ओर से वर का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। वहीं सुबह मांगलिक मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक साथ सज्जित मंच पर सभी जोड़ों ने फेरे लिए। परिणय सूत्र में बंधने के बाद सामूहिक वरमाला कार्यक्रम हुआ। दोपहर में भोजन के पश्चात सभी जोड़ों को प्रमाण पत्र में स्मृति चिन्ह एवं समाज व समाज सेवियों की ओर से दिए गए उपहारों को प्रदान कर विदा किया गया। कुछ ही क्षण में हमारा कार्यक्रम में भाजपा नेत्री प्रियंका चौधरी, कांग्रेस नेता आजाद सिंह राठौड़, चौहटन प्रधान रूपाराम, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी, जेडीए के वित्त निदेशक दशरथ सिंह सोलंकी, स्टेट जीएसटी उपायुक्त बिहारी लाल दर्जी, सहायक आयुक्त पुखराज टेलर, प्रोफेसर बंसीलाल डॉक्टर भरत दर्जी, जयराम डांगरी, मानक चंद मौसेरी सहित प्रबुद्ध जनों ने नवयुगल को आशीर्वाद दिया।